ओके मलिक गुड मॉ आफ्टरनून मलिक गुड आफ्टरनून क्या है गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग मलिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मलिक तो भारत माता की जय मलिक ओके बिफोर स्टार्टिंग ओके नेक्स्ट पेपर दैट इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ओकेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कहानी चालू करने के पहले थोड़ा सा अपन एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ओकेज हाउ द बैच गोज हैड ओके इस बैच की कहानी क्या होगी कॉन्सेप्ट क्या होगा ओके इस बैच का प्रोसेस क्या होगा विच ऑल टुगेदर यू हैव डन सिंस मॉर्निंग टूडे तो हर लेक्चर का पहला एक uh, पंद्रह बीस मिनट का शुरुआत है भाई बैच में क्या क्या है क्या नहीं है वो प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं बट बिफोर गोइंग एन दिस ओकेज द धिस इज बेसिकली और पेपर सिक्स ओके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विच इज अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अभी जो प्रशांत सर ने लेक्चर लिया है थोड़ी देर पहले उनका फिफ्टी परसेंट हिस्सा है एंड बाकी बैलेंस फिफ्टी परसेंट हिस्सा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर कवर करेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आने के पहले ओके इज हाउ बैच विल गो हेड और प्रोसीड हेड उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहला ओके बेसिकली दिस बैच एप्लीकेबिलिटी इज फॉर टू अटेम्प वन इज सप्टेंबर एंड वन इज जनवरी ओके सितंबर 24 में जो एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल टुगेदर ग्रुप वन दे के आए हैं और ग्रुप टू अभी देने का प्लान कर रहे हैं जो नवंबर में प्लान कर रहे थे और सितंबर हो गया तो उस केस में अपनी बैच जो एंड होगी वो अप्रोक्सिमेटली फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में एंड होगी ओके यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट बट टू द एक्सटेंड सब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट इज बहुत अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा सब्जेक्ट आपको एंश्योर करेगा कि जो आपका बैलेंस स्ट्रक्चर है ओकेज मार्क्स विच यू नीड टू स्कोर दिस सब्जेक्ट विल एन्श्योर इट इज डन ऑटोमेटिकली दैट फॉर श्योर तो सप्टेंबर अगर एग्जामिनेशन है तो अपनी बैच एंड डेट है फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट और जैन एग्जामिनेशन है तो बैच एंड डेट तो टेंशन नहीं है अपनी फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में जब एंड हो जाती है यू हैव एम्पल ऑफ टाइम ओकेज स्ट्रक्चर वाइज रहेगा ओके ये पहला पॉइंट बैच की एप्लीकेबिलिटी, बैच का ड्यूरेशन ओकेज बी वेरी प्रिसाइज, नंबर ऑफ डेज अप्रोक्सीमेटली अपने लिए जाएंगे सिक्सटी लेक्चर्स ऑर्ड लेक्चर्स अपने को लगने वाले ओकेजन थियरी क्वेश्चन बैंक एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड सिक्सटी लेक्चर्स में जो बैच के नंबर ऑफ आवर्स है इट विल बी अप्रोक्सिमेटली वन आवर पर डे अप्रॉक्सिमेटली बोल रहा हूँ मतलब पांच दस मिनट इधर उधर हो सकते हैं ओके बट बैच स्टार्टिंग टाइम इज फोर थर्टी एंड एंडिंग टाइम इज फाइव थर्टी तो टेक्निकली अगर जैसे अपना एफ एम खत्म हो जाता है और उसी के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं आपको एंश्योर करता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको कहीं पर भी ओ आई नो दैट आप ऑल टुगेदर टू थर्टी से बैठे हो टू थर्टी से फोर थर्टी तक बैठे हो ऑल टुगेदर दो घंटा आप ऑल टुगेदर एक ही जगह पे आप अपना मतलब एकदम एकदम जबरदस्त पोजिशन पर बैठे हो Now इट्स मोर वन hour, बट वन hour विल बी वन ऑफ द बेस्ट hour टू एंड द डे That फॉर sure. ये गारंटी है ओके विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू बाई मजा ओके मतलब बेस्ट स्केल्ड अप लेवल पे आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत तोड़ सब्जेक्ट है भाई एक बार मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा बहुत तोड़ रहेगा तो अपना जो टाइमिंग है वो फोर थर्टी टू फाइव थर्टी है पाँच दस मिनट इधर उधर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एंड अपन कब करते हैं ओकेज okay? so, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साढ़े पाँच का मैं साढ़े होगा फोर थर्टी टू फाइव थर्टी लॉजिकली ओके सर अपने टेक्निकली संडे ऑफ रहेंगे कहीं पर कुछ अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी आगे पीछे कुछ हुआ तो एक हाथ संडे अपना रह सकता है एक दो संडे अपने लिए जरूरत पड़ सकती है अदर देन दैट अपने मतलब टेक्निकली अभी की पोजीशन में अपने संडे ऑफ है एंड वी आर कंफर्टेबल विद फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट ये लॉजिक है बैच का ड्यूरेशन ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये फेस टू फेस एंड जो लाइव वर्चुअल करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है जो गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव है उनके लिए कभी भी रहो भाई क्या फर्क पड़ रहा है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी हैविंग ऑलरेडी अपलोडेड एंड रिकॉर्डेड नोट्स आपको कौन से कौन से मिलेंगे तो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इसमें ओकेज आपको टेक्निकली दो बुक मिल जाएगी ओकेज और एक चार्ट बुक रहेगी पहले उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपके पास एक नोटबुक uh, रहेगी एक टेक्स्ट uh, बुक मिलेगी जो है वॉल्यूम वन विच इज बेसिकली अ थियरी बुक इट्स ऐसे कंप्लीटली थियरी बुक थियरी बुक इज इंसपायर्ड फ्रॉम मॉड्यूल बात खत्म ओकेजिना मॉड्यूल देखो ये देखो बस इसमें चेंजेस है कुछ लैंग्वेज में माइन्यूट चेंजेस है ओकेज okay, कुछ फ्रेमवर्क uh, मतलब uh, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट में वो मीम का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है ओकेज okay, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए बाकी अदर देन दैट दिस इज योर मेन बुक विच नीड टू बी डन थरोली पचास मार्क ये है मालिक फिफ्टी मार्क्स इज दिस बाकी कोई भी सब्जेक्ट के साथ में लगा के देखो ओकेज okay, तो पहले पर बुक की साइज से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओके okay, बाकी तो कॉन्फिडेंस का छोड़ ही दो अगर मैं थियोरी की बात करूं थियरी की बात ये पॉइंट है आपकी मेन थियरी बुक और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है कि मॉड्यूल में बहुत कंटेंट है और इधर बहुत डिलीटेड है ओके okay, जो है सर मतलब डुप्लीकेशन वो डुप्लीकेशन को अपन ने निकाला हुआ है और वो कहीं कहां पर कवर हुआ है लेक्चर जैसे जाएगा आपको समझ में तोड़ आ जाएगा ओके okay, तो मेन बुक इज दिस बुक दैट वी नीड टू टेक केयर वॉल्यूम वन होने के बाद आपके पास और एक आती है वॉल्यूम टू ओके वॉल्यूम टू इज बेसिकली क्वेश्चन बैंक इसके साथ में आपको और एक वॉल्यूम आएगी दैट इज वॉल्यूम थ्री वॉल्यूम थ्री आपको एक दो चार दिन के साथ में मिल जाएगी वॉल्यूम थ्री और वॉल्यूम टू का सॉफ्ट कॉपी भी टेलीग्राम पे पूरा अपलोडेड रहेगा वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री में क्या फर्क रहेगा मालिक वॉल्यूम टू इज बेसिकली ए क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम थ्री इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम टू ऐसे क्वेश्चन बैंक है जहां पर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में क्वेश्चन पूछे गए हैं

ऑल टुगेदर कुछ इंस्टीट्यूट के डेटा uh, बेस कुछ ऑल टुगेदर दूसरे जगह से डेटा बेस लेके है जहां पर आपके पूरा सिलेबस एक क्वेश्चन में कवर्ड है और पूरे सिलेबस का एक क्वेश्चन मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड केस स्टडी ओके विच इज अगेन ए वेरी न्यूली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन इंटरमीडिएट दिस वॉज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सी ए फाइनल अर्लियर फ्रॉम मे ट्वेंटी फोर ऑनवर्ड एग्जामनेशन दिस इज ए पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट ऑल्सो ये पूरा बुक अगर आप इसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन के बाद ब्लैंक मिलेगा ओके okay, तो इसके अंदर आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले वॉल्यूम टू के अंदर तो सर वॉल्यूम टू के क्वेश्चन के आंसर्स का क्या होगा ये क्वेश्चन के आंसर अपन क्लास में लिखने वाले हैं मतलब मैं साथ में लिखूंगा और इस क्वेश्चन के साथ में आप साथ में अपडेट करोगे लेकिन डायरेक्टली ले ऐसा कॉपी नहीं करने वाले भाई इधर मैं लिखा तू लिख रहा डिस्कस करेंगे डिस्कस करने के बाद एक सेशन पूरा उस पर रहेगा, okay, we'll yani so, रहेगा इसके साथ में आपको एक वॉल्यूम थ्री जो मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक का इट इज अगेन अ क्वेश्चन बैंक बट प्रीवियस इयर्स एवरी कंपाइल्ड डेटा आपका प्रीवियस ईयर का आरटीपीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ सिलेबस है जो डिलीटेड है यानी पहले सिलेबस में था और अब सिलेबस में नहीं है तो वहां पर ये मार्क कर दिया जाएगा कि भाई यार क्वेश्चन डिलीटेड है ये क्वेश्चन का आंसर आपको देखना नहीं है मतलब क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा बट डिलीटेड फ्रॉम द न्यू सिलेबस तो कंपाइलेशन की बात करें तो वॉल्यूम थ्री रहेगा और जो क्लास में मुझे बुक लगेगी वो रहेगी आपकी वॉल्यूम टू वॉल्यूम वन तो थियरी बुक है वॉल्यूम टू का पॉइंट वॉल्यूम टू विल एंश्योर योर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली ओके एंड वॉल्यूम थ्री को सर कैसे यूज करना है वॉल्यूम अपन क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन वॉल्यूम का डिस्कशन ऐसा होगा ओके okay, जैसे ही अपना चैप्टर कुछ क्वेश्चन बोलूंगा वो आपने लिखने, लिखने? Okay, पांच को अपन एंड कर रहे हैं भाई? तो शाम को क्या गोटिया खेलेंगे नहीं तो शाम को थोड़ा सा अपने को करना होगा, मालिक. Okay, थोड़ा सा एडिशनल क्स्ट डे अपन पहले क्लास में सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कौन से कौन से पॉइंट आने चाहिए यू कलेक्टिवली चेक इट आउट एंड उसके बाद उसका अपना अपना वॉल्यूम वॉल्यूम का का आपका 3 का अपना काम खत्म हो जाता वैसे वॉल्यूम थ्री के अंदर आपको ऑलरेडी आंसर दिए रहेंगे पर आपको वो चेक नहीं करने हैं वो चेकअप करने जब अपना आंसर लिख के हो जाए दिस इज योर अप्रोच टू द बैच इज अ पॉइंट क्लियर मालिक तो अपने पास कितनी बुक है मालिक तीन yes. कौन सी कौन सी वॉल्यूम वन थ्री

पर अपनी बैच एंड कब हो रही है भाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और अपनी एग्जाम कब अगस्त मतलब तो, तो गया सितंबर गया, 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 गया। यानी कितने महीने निकल जाए पांच साढ़े चार महीने साढ़े चार बोल रहे पर पांच महीने ऑल टुगेदर निकल ही जाएंगे फिर बाद में नया साल आएगा नए साल में नया उगता सूरज आपका एग्जाम लेकर आएगा और जब वो नया साल में जब अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी होगी उस टाइम पे अपने को ऐसा सिनारे आ जाएगा कि भाई यार ये सब चीजें कैसे करे क्योंकि कितना भी रहा क्लास खत्म होने के बाद और एग्जाम देने में देर इज अ गैप एंड वेर सेल्फ स्टडी एंड यू विल नॉट बी डूइंग सेल्फ स्टडी ओनली ऑफ एस एम सेल्फ स्टडी ऑफ बोथ द ग्रुप्स एंड टेक्निकली स्पीकिंग हाउ मेनी आर सिक्स बट हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर एट आर्ट सब्जेक्ट देखो जब तक चीजें अलग अलग होती है ना बहुत आसान है

अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सर कौन से प्रॉब्लम्स पहला प्रॉब्लम ओके ओके मेमोरी लॉस यानी एक कॉमन मिलता है क्लास खत्म होने के बाद कुछ याद नहीं आता उसका रीजन एक ही है क्या प्रॉब्लम आया रिविजन दूसरा पॉइंट सर ओके okay, याद आ रहा है पर मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है ओके okay, so वो एक विनो सर की लैंग्वेज में एक बोलते हैं सर कसतरी होता है ओके okay, so, मतलब कोई टेक्निकल पॉइंट इसका एक ही सोल्यूशन है रिवीजन अब क्वेश्चन है रिवीजन करने के लिए क्या कह रिवीजन करने के लिए आपके पास दो फॉर्मेट है मालिक फर्स्ट फॉर्मेट ओकेज आपको मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने बता दिया आपको एफएम के साथ एसएम का चार्ट बुक है ओके बाय चांस किसी ने देख लिया हो होगा एसएम के चार्ट बुक अगर बाय चांस आपने देखे होंगे तो एसएम के चार्ट बुक में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस यानी एक कॉन्सेप्ट छूटा नहीं उसमें से सारा का सारा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली दस से बारह पेजेस में खत्म हो गया यानी टू बी वेरी प्रिसाइस पूरा एसएम कितने मार्क का मालिक पचासमें बोल रहा हूँ हेड पॉइंट सारे कवर्ड है सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है ओकेज okay, आप देखोगे दस के दस पेज में सब कवर्ड हो जाता है okay, ओकेज पहला तरीका ओकेज यू जस्ट नीड टू स्टे कनेक्टेड विद चार्ट के आपको किसी को देखना नहीं है लेक्चर नहीं देखना है लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं भाई यार चार्ट दिख देख के मैं अकेला बैठते बैठते मेरे को नींद आती है बोर होता है भाई वो दिख देख के ऐसा वक्त तो शॉर्ट होता है तो ठीक है यू विल रिविजन लेक्चर ऑल्सो ओकेज और आप इमेजिन करो ये सब्जेक्ट जो पचास मार्क का है ओकेज ऑल टूगेदर पुराना भी रिविजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है

वॉट आई एम टेलिंग इज मेक श्योर ओकेज आप ये लेक्चर का कंक्लूजन ऐसा मत समझना डन माई लाइफ इज सेट लेक्चर के बाद अगर आपका जैन अटैम्प है इट्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट एट क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को क्लास खत्म होने के बाद रिविजन लेक्चर्स को कनेक्टेड उसको कैसे एंश्योर करना आई विल टेक केयर ऑफ इट डोंट वरी बस आपको कनेक्टेड रहना है मेरे साथ में मेरे साथ में मतलब ये कम्युनिकेशन अपने कैसे होने वाले टेलीग्राम व्हाट्सअप मैं अब डिस्कस करूंगा वो

ज हाउ इट विल वर्क तो नोट्स टू भी प्रोवाइडेड में आप ये ध्यान रखना ओके मेरे को नोट्स जो रेगुलर में चाहिए आपका वॉल्यूम वन चाहिए वॉल्यूम टू चाहिए वॉल्यूम थ्री चाहिए इसके अलावा मेरे को रिविजन बुक चाहिए नहीं रिविजन बुक चाहिए सिर्फ आपको शायद जिस दिन चैप्टर एंड होगा उस दिन आपको लेके आनी है चार्ट बुक मतलब एवरीडे क्लियर मालिक ओके अपना नोट्स टू भी प्रोवाइडेड का कॉन्सेप्ट डेमो लेक्चर्स ऑल टुगेदर आठ से दस लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर डेमो अवेलेबल रहेंगे ऑल टुगेदर डेमो जो लाइव बैठ रहा है ओके गूगल ड्राइव देख रहा है ओकेज एक आठ से दस लेक्चर आपका यूट्यूब पे रहेगा ऐप पे भी साथ में शिफ्ट हो जाते हैं बट टू द एक्सटेंड आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा डेमो देखने के लिए ठीक है मालिक डेमो का तो ज्यादा कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर्ड अवेलेबल ओके फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पुणे ओके सेकंड सिनारियो आपके लिए अवेलेबल है लाइव स्ट्रीमिंग जो अभी लाइव यूट्यूब पे है बाद में अपने ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो गूगल ड्राइव ऑप्शन रहेगा एंड चौथा ऑप्शन रहेगा वो पेन ड्राइव ऑप्शन रहेगा ओके okay, so बस पेन ड्राइव में अगर किसी को ऑनलाइन में पेन ड्राइव चाहिए या कोई पेन ड्राइव रिक्वायर्ड है तो आपको बस एक पंद्रह बीस दिन वेट करना पड़ेगा जब वो पंद्रह बीस लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद वो पेन ड्राइव में कॉपी किए जाते हैं एल्स आपको गूगल ड्राइव तो आपको डे बाय डे इमीजिएटली अपडेट होते जाएगा वैसे भी पहले आठ दस दिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रीज़न सिंपल है क्योंकि सारा का सारा किस पे अपलोडेड है यूट्यूब पे सर बैकअप बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है ओकेज okay, मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है बैकअप फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है गूगल ड्राइव के लिए बैकअप की क्या जरूरत वो खुद ही बैकअप देख रहे हैं तो फेस टू फेस के लिए और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैकअप अवेलेबल है सर बैकअप यूज करने का क्या तेरी मर्जी ओकेज बट टू द एक्सटेंड मालूम है क्या ओकेज बैकअप यस सर हाँ हाँ यस 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 प्लीज सर मैं मतलब अच्छा मैं किधर था बैकअप सर टेक्निकली बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है बैकअप ऑप्शन के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर देखिए लेक्चर है एक घंटे भर का ठीक है वो भी एंड ऑफ द डे में है और वो भी सबसे मज़ेदार होगा दो चार दिन दानी आपको मालूम पड़ेगा माँ कसम यही बेस्ट लेक्चर है पूरा दिन का थकान उड़ा मतलब उड़ाने वाला लेक्चर यही है ओके देखो टेक्निकली तुम्हारा चालू होता है डे सेवन थर्टी एंड एंड करना है अपने को साढ़े पाँच बजे साढ़े सात बजे आए एंड ऑफ द डे तक साढ़े पाँच तक बैठना है साढ़े पाँच के बाद वापस अपने लिए टाइम देना है एंड दैट इज़ कॉल्ड ए मीटिंग और मीटिंग के बाद फिर आप रिविज़न करोगे सारी चीज़ें करोगे जो ग्रुप वन का ऑलरेडी झेल रहे हो वो भी झेलोगे मतलब सारी चीज़ें हैं तो एंड ऑफ द डे में तो इसमें बैकअप की जरूरत का कॉन्टेक्स टेंशन लेना ही नहीं चाहिए सर बैकअप कब कर यूज़ करना चाहिए ओके छुट्टी वुट्टी मारनी मकाय के लिए मारनी है सर दो ढाई महीने में क्या छुट्टी मतलब कोई ऐसा अचानक कोई सर शादी वादी के आना पर फटाफट को जा मतलब ऐसा पंद्रह दिन हनुमान पैकेज के साथ ना जाना है उधर ओके <laughs> okay, भाई साहब एकदम सिंपल है मैं कभी डिबेट नहीं करता आई एम वेरी क्लियर विद पॉइंट ओके और इसमें बहुत बार मेरा और विनोद सर या प्रशांत सर के साथ में ऐसा बहुत बार होता है के छुट्टी डिटर्मिनेशन डेडिकेशन आई ऑल्सो मतलब आई एम ए आई एम अ पर्सन हु विल बी एंश्योरिंग हाँ भाई डिटर्मिनेशन डेडिकेशन सब कुछ है लेकिन अगर भाई कोई घर में एकदम शादी है खास भा, मतलब भाई की शादी है खास भाई छोड़ दे अब मेरे को था भाई को बोलेगा नहीं नहीं मैं ऐसे ये कर रही तू शादी देख ले तेरा अब यार शादी में जाएगा बस एंश्योर करो ठीक है जब लेक्चर चल रहे हैं जब एग्जाम्स चल रही है यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग संगीत संध्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ये हो जाएगा शादी वादी में रहो यार फोटो एल्बम में आओ नहीं तो मां कसम तुम सी हो जाओगे उस दिन सीए होके बाजू में उसके बैठे रहोगे और वो बात करेगा देखना यार तू नहीं आया था और तू प्राउडली बोलेगा अरे मैं सी के एग्जाम दे रहा था क्या घंटा क्या मतलब है क्या <laughs> अबे लास्ट लास्ट मेरे को बता मतलब क्या मतलब ये है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए ठीक है वी फील प्राइड वी कॉम्प्रोमाइज एवरी थिंग वी कॉम्प्रोमाइज एवरी थिंग वी कॉम्प्रोमाइज एवरी क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया गया इधर पैदा उसके लिए हो गया नहीं रे भाई अरे भाई यार you need to understand. You need to balance मैं इसका मतलब ये ये नहीं बोला दिन जा शादी में बस अब है है कि अगर, अगर अपन ऐसे कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको बैकअप ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हो लेकिन इसका इंटरप्रेशन ये मत करना कि छुट्टी मारो वगैरह वगैरह हैबिट मत बनाओ दैट इज नॉट ए गुड हैबिट एंड इट विल नेवर एवर गिव एनी आउटकम है मालिक बैकअप का बेस्ट यूसेज आप लोगों के लिए आप लोग मतलब जो सेप्टेंबर के बाद दे रहे जनवरी में

आपके पास पूरा डेटा रहेगा कौन से लेक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है एवरीथिंग विल बी देर तो फिर वही लेक्चर खोलने का वही लेक्चर देखने का क्या के लिए टाइम पास करने का ओके बट टेक्निकली मेक श्योर ओके मेक श्योर द बैकअप इज यूज ओनलीमल पॉइंट ऑप्टीमल समझ रहा है जब रिक्वायर्ड है तब ओके okay, फालतू में बैकअप नहीं भाई आज जाने दे लेक्चर डांडी मारते हैं गया लेक्चर क्या है ओके ऑलरेडी सताए हुए अरे तेरे और थोड़ा एक घंटा सत ले एक घंटा थोड़ा सा और सहले भाई ओकेज okay, बैच टाइमिंग ऑलरेडी कम्युनिकेटेड अपना बैच टाइमिंग क्या है मालिक साढ़े चार से साढ़े पांच बढ़िया यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल इसके ऊपर चर्चा कमिंग टाइम में करेंगे ओके यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे पर मेरे ख्याल से प्रशांत सर विनोद सर ने सबने बता दिया होगा तो ठीक है भाई ओके okay, वो आज के दिन पे उतना टेलीग्राम और यूट्यूब ठीक है अपना आगे देखेंगे ठीक है थोड़ा टाइम जाने दो थोड़ा एडेप्टेबिलिटी आने देंगे मेन पॉइंट थैंक यू की जरूरत नहीं बेटा ऐसा लाइफ में बहुत सारे शादी हुई उसी का बात का थैंक यू आज तक भुगत रहा हूं मैं बस हो गया भाई तो भाई भाई साहब वो थैंक यू से अपन बाहर हो गए अभी मेन पॉइंट अभी आते हैं मुद्दे पे दैट इज कॉल्ड टेस्ट सीरीज आपके पास टोटल अप्रोक्सीमेटली अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी पांच टेस्ट सीरीज ओकेजो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स की होगी ओके okay, और हर चैप्टर के एंड में होगी एंड उसके बाद दो और टेस्ट सीरीज होगी जो हंड्रेड मार्क्स की होगी हंड्रेड मार्क्स की मतलब एफ एम ऑर्डर एस एम सात में और जैसे ही चैप्टर एंड होगा आपकी टेस्ट सीरीज एक कंडक्ट होगी और टेस्ट सीरीज के बाद आपका स्ट्रक्चर रहेगा फेस टू फेस के लिए मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने बता दिया होगा फेस टू फेस के लिए टेस्ट सीरीज और सजेस्ट आंसर दोनों मिलेगा और साथ में चेक करके भी मिल जाएगा ओके okay, खाली वर्चुअल और गूगल ड्राइव या ऑनलाइन उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे चेक करके नहीं मिलेगा मालिक और चेक करने का कुछ भी डाउट रहा कुछ रहा कंपैरिजन कर लो सजेस्टेड आंसर से और कुछ डाउट रहा तो मुझे भेज दो ओकेज okay, अपन तो वैसे भी अवेलेबल है भाई व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है मालिक ओके मैराथन लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आपके एग्जाम रिवीजन वैसे ही क्लास खत्म होगी उसी टाइम पे मैं रिवीजन लेक्चर भी कंक्लूड करूंगा मतलब जिस दिन अपन लेक्चर एंड करेंगे अपन ऑलमोस्ट नेक्स्ट लास्ट दो दिन में अपन वापस पूरा एसएम रिवाइज करेंगे ओके okay, तो ऑल टुगेदर मैराथन लेक्चर वैसे ही होंगे और एग्जाम के पहले भी आपके मैराथन हो जाते हैं एग्जाम के सर पंद्रह बीस दिन पहले आपको यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे कौन सा यूट्यूब चैनल वो छोड़ दो सब यूट्यूब चैनल पर मिलेगा ओके okay, तो मैराथन लेक्चर्स होते हैं पर मेरे ख्याल से टेक्निकली अगर आपका डेढ़ दो घंटे में रिवाइज हो जाता है पूरा फिर मेरे को लगता नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है बस वो मैराथन लेक्चर उसके लिए रहता है कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट है जिसने सेप्टेम्बर अटैम्प दिया या जिसने मे दे दिया और वो नहीं क्लियर हो पाया कुछ कारणवर्ष एंड ही इज गिविंग री अटैम्प अगेन तो रीअटम्प में वापस वो पूरा लेक्चर करना मतलब सेंस नहीं बनता तो वापस वो क्या करता है मैराथन तो मैराथन लेक्चर्स उनके लिए बट टेक्निकली रिविजन और मैराथन दोनों में फ़र्क क्या होगा चार घंटे का मतलब मैराथन

अगर कॉन्सेप्ट में डाउट होना ना मालिक इट विल बी बिग चैलेंज तो वो डाउट आने नहीं देंगे मालिक गारंटी मेरी ओके okay, तो मतलब एक वो टू द एक्सटेंड एनी क्वेश्चन एनी पार्ट एनी पार्सल एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा वाइज आफ्टर बैच सपोर्ट अगेन कोई दिक्कत नहीं है आफ्टर बैच सपोर्ट आपको 24 24 अवेलेबल है लेकिन आंसर दूंगा कि ऐसा नहीं है बस मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा अगर आपने कुछ क्वेरी डाली है मुझे कि भाई यार अमित सर इसके लिए आंसर दीजिए ये आंसर दीजिए तो मतलब अभी समझो साढ़े चार मतलब पाँच बजे है पाँच बजे तुमने डाला अमित सर ये आंसर दिए ओके अब पाँच पाँच हो गई और तुमने उस पर वापस ये रेज किया और क्वेश्चन मार्क डाला फिर पाँच दस को सर प्लीज़ रिस्पॉन्ड सवा पाँच को सर वाई आर नॉट आंसरिंग मी साढ़े पाँच को सर तो, ओके उसके बाद और आधे घंटे बाद सर मैं लेक्चर में कहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा बहुत बार ऐसे हो जाएगा कि आपने कुछ क्वेरी भेजी होगी और मैं इमीडिएटली वॉइस नोट भेज दूंगा रीजन सिंपल है मैं जब फ्री रहूंगा इमीडिएटली भेजता हूं मैं लेकिन कभी कभी एक चार पाँच घंटे आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज भेजा दो तीन दिन, दिन बाद आ रहा है तो आपका बैच सपोर्ट का भी टेंशन नहीं है जस्ट मेक श्योर और आपको ये कम्फर्ट जोन ओकेज़ विथ रिस्पेक्ट वट वी से कम्स विथ एक्सपीरियंस वो बिना एक्सपीरियंस के आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो अभी उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आप कोई भी क्वेरी हो भंगार से भंगार क्वेरी हो वो भी पूछो ओके ओकेज मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं पिछले बैच का तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा कम से कम पचास बार वो क्वेरी सॉल्व की होगी एक ही क्वेरी एक बच्चे ने पूछी उस टाइम पे बाकी बच्चे दिख नहीं रहते व्हाट्सअप ग्रुप है उसका मैंने आंसर दिया दूसरी बार कभी और पाँच दो छह दिन के बाद दूसरे ने पूछी तीसरे ने पूछी ऐसे कम से कम पचास बार एक ही क्वेरी पूछी गई और हर चीज को आंसर किया ओके बस इतना हुआ कभी कभी कोई वापस वो ऊपर वाले आंसर बता दिया देख ले भाई उधर पढ़ ले वो बट टेक्निक अरे वो रिस्पॉन्ड करना भी बहुत बड़ी बात है भाई रिस्पॉन्ड कर रहा हूं मैं ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका क्वेरी कोई भी हो कैसा भी हो लाइफ का क्वेरी हो फ्रस्ट्रेशन का क्वेरी हो आई एम देर डोंट वरी क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो दो दो फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल टू तो गुड वन <laughs> तो देर इज नो प्रॉब्लम इन लाइफ ओके और uh, तो ये है आफ्टर बैच सपोर्ट का क्लियर ऐप डिटेल मेरे ख्याल से सी एस एस अमितातेड एप है आपको मेल आ जाएगा मेल में ही आपकी लिंक आ जाती है ओके okay, बैकअप so, के लिए भी आपको जो आएगा सेम ऐप है ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम ऐप है सी एस एस अमितातेड तो ऐप तीन अलग अलग है अगर सुबह से देख रहे हो तीन अलग अलग ऐप है लेकिन ऑल टुगेदर उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है थोड़े से कुछ कारणवर्ष वो तीन को अलग अलग रखे हुए हैं ओके बट सबका ऐप सपोर्ट एक ही नंबर है मतलब कोई भी डाउट आया तो अपने पास सेंट्रलाइज सिस्टम है 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 वो कोई टेंशन नहीं नंबर स्क्रीन पे लिया हुआ ओके टेक्निकल सपोर्ट है आपने इसको नोट भी नहीं किया तो भी डोंट वरी व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप एड हो जाओगे okay, उसमें आपको ये नंबर आ जाएगा वो नंबर असिस्ट कर देगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी बात है जो अप्रोच टूवर्ड्स बैच है ये मैंने आपको ऑल टुगेदर स्टार्टिंग में बता दिया बस मिस मत करो 60 आवर्स मेरे को बहुत तोड़ दो 40 45 फाइव आवर्स अप्रोक्सिमेटली अपने को कंटेंट को लगता है 40 45 घंटे कंटेंट को लगता है पाँच सात घंटे अपने को क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम टू के इसमें ज्यादा जाएगा लिखने के टाइम पे और तीन चार घंटे और ऊपर नीचे अपन पकड़ सकता है जब मैंने 60 आवर्स बोला तो 60 आवर्स एकदम पकड़ के बैठो ओके okay, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 का 90 होगा लेकिन 60 का 64 ऐसे दो चार घंटे इधर उधर हो सकते हैं हमालिका ओकेज okay, तो अप्रोच क्या होना चाहिए सर मैंने रोज क्या करना चाहिए देखो टेक्निकली जो यहां पर दो स्ट्रेटीज रहती है सितंबर वाला और जनवरी वाला जनवरी वाला रिलैक्स मोड में रहो आपको जब जब होमवर्क दिया जाए तब वो होमवर्क लिख के लाओ रिलैक्स ले, मोड में मतलब किस कंटेक्ट से बोल रहा हूं सर घर पे जाके 100 परसेंट पढ़ना जरूरी क्या अगर आपको हैबिट है आपको टाइम मिल रहा है ओके कॉस्टिंग एफएम और ऑडिट इसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और कुछ पढ़ने के लिए आप डालो टाइम एस में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं डाला तो भी चलेगा क्योंकि आपका जैसे ही चैप्टर एंड होगा अपन रिवीजन कर लेंगे रिवीजन में सब कवर हो जाएगा और चैप्टर एंड में रिवीजन नहीं होगा रोज के रोज आपका क्यूमिलिटी होते जाएगा वो काम खत्म करते जाएगा लेकिन ओके आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना जरूरी है ये क्लियर रखिए जब मैंने बोला कि भाई ये दो आंसर लिख के लाना है आपने तो आपने लिख के लाना है लेकिन जो सितंबर देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास टाइम ही खत्म है क्योंकि आपकी जब तक बैच एंड होगी एग्जाम आ जाएगा तो जो सितंबर वाले पंटर लोग देख रहे हैं लेक्चर मेक श्योर ओकेज़ आपने करना क्या 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 साथ में पढ़ाई करनी है साथ साथ में घर पे आ जाके एफर्ट्स डालने हैं दैट्स इट सिंपल सा आंसर है लिखने के लिए सर आप स्क्रीन पे कुछ लिखोगे हमने लिखना चाहिए चॉइस इज योर मेरा लिखने का जब आएगा मैं आपको बोल चुका हूँ एक नोटबुक मुझे चाहिए ओके okay, आपने वो नोटबुक लानी है मेरे को जितना जैसे जैसे लिखाना जो लिखाना है स्ट्रक्चर वाइज मैं लिखाते जाऊँगा अब बस एक नोटबुक ब्लैंक नोटबुक कैरी करिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए सर कितने पेजेस बहुत ज्यादा चार सौ पांच सौ पेज मत बनाना ये ये कॉस्टिंग नहीं है ओके okay, भाई यार सौ सवा सौ पेज में काम खत्म हो जाएगा ओके दैट इज ए मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको बताऊं मतलब एफ एम और एस एम के पेपर के दिन अगर कोई चीज फटाफट खत्म हो सकती है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और इसका फायदा क्या है जो अब मैं मैं रिवीजन की बात किया अगर आपने नोट किया होगा मैंने रिवीजन की बात की मैंने ये सब बात की इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आज नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन जस दिन एग्जाम रहेगी अपने को दो पेपर दो सब्जेक्ट साथ में खत्म करने होंगे ना ओके इट टेक्स अ टाइम अब देख ना आपको मालूम पड़ेगा डी टी एंड आई डी टी आप ट्राई करो दो दिन का टाइम लो खाली 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 बैठो दो दिन का दो दिन में खत्म करने की कोशिश करो आपका समझेगा दो सब्जेक्ट कैसे भारी पड़ते हैं और बहुत बार ऐसा होता है एक सब्जेक्ट पढ़ लिया दूसरे में गए अपने को याद नहीं आता पहले में क्या पढ़ा ओके okay, अगले दिन लगता है माँ कसम कल क्या पढ़ा था कौन सा जीएसटी था मतलब कौन सा डीडीए सेम लॉजिक एफ जब दो पेपर आते हैं तो कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग मतलब यार कॉम्बिनेशन चलता रहे मैं आपको लिख के देता हूं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एक पैसे का आपको हर्डल नहीं देगा मतलब अगर मैं इसको अगर आपने बहुत सही तरह से पढ़ा पढ़ा मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपने 60 आवर्स मेरे को बहुत शिद्दत से दिए इसके बाद जो मैंने आपको रिवीजन का बोला वो रिवीजन का किया आपको जस्ट क्लास एंड होने के बाद भी मैं आपको पॉइंट पे टेस्ट सीरीज का बोलूंगा वो टेस्ट सीरीज का आप बरबर कनेक्ट रहे हो मेरे साथ व्हाट्सएप में ओके okay, सर टेलीग्राम पेज कनेक्ट रह रहे हो आप वो फॉलो कर मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम के दिन में चार पांच घंटे में आप ये सब्जेक्ट खत्म करके भाई डाल सकते हो पूरा सब्जेक्ट एफएम को दे सकते हो और मैं ये नहीं बोलता रहा डिफिकल्ट और ये ये पॉइंट से बाहर आओ जब तक आप हंड्रेड परसेंट सिलेबस नहीं खत्म करते हर पेपर डिफिकल्ट है जिस दिन सिलेबस खत्म किया तो कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं आता मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा डिफिकल्ट आएगा कौन सा ईजी आएगा इजी डिफिकल्ट से बाहर निकलो यार ये इंस्टाग्राम वालों के लिए रहने दो

ओके टू स्टार्ट विथ मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट uh, ये सारी क्वेरी सबको सॉल्व हो गई क्या है क्या नहीं है कैसे वर्कआउट होने वाला है ओकेज okay, अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको अपडेट कर दू सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वैसे बहुत जन को ये लगता है कि ये पेपर uh, मतलब अपन मतलब टेक्निकली बता रहा हूं बहुत जन को लगता है मतलब ये लगता है, ये लगता है ये बहुत आसान होगा सर क्या है ठीक है ना यार मैं प्रॉब्लम ये बुक पढ़ने में नहीं है ये कौन सी वॉल्यूम दिख रही है सबको वॉल्यूम दिख रही है कि कुछ मैं दिख रही नहीं है लाइट आ रही है कुछ वॉल्यूम तो. कौन सी दिख रही है 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 okay, है ये 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 पढ़ेगा समझ में आता जाएगा ठीक भाई यार गुड ओके ऐसा ऐसा होता है ऐसा होता है स्ट्रेटिक मैनेजमेंट ऐसा होता है इसके बाद इसको खोल और इसके दो क्वेश्चन में जा आपका स्ट्रेटिक मैनेजमेंट निकल जाएगा प्रॉब्लम ये खत्म करना नहीं है प्रॉब्लम ये खत्म करके इसमें कैसे अप्लाई करना है ये है इट ये, हाँ, ये प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को तो डेढ़ घंटे में अगर हो रहा है तो ये बार याद रख सकता है प्रॉब्लम किधर है हाउ टू अप्लाई द्रेटेजिक मैनेजमेंट इन दिस तो बिफोर गोइंग हैड अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओके मेरे ख्याल से सब लोग मुझे जानते होंगे मैं अमित तातेड़ हूँ नहीं जानते होंगे तो मैं अमित तातेड़ हूं ओके अमित तातेड़ ओके सीए हुईसा हूं डीसा हूं सीसम बीसीबीसी हो तो आई एम होल्डिंग एट नाइन एट नाइन बीकॉम नहीं बोला मैंने अभी तक एट ऑड क्वालिफिकेशन अगेंस्ट माई नेम मेरे करियर में मेरे को सीए फाउंडेशन में रैंक आया हुआ है और सीएस इंटर और फाइनल दोनों में रैंक आया हुआ है ओके okay, सीए में इंटर की दिया था इंटर के बाद छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे को आईटी में इंटरेस्ट आ गया था सीसा और डीसा बिकॉज ऑफ पैकेज अदर थिंग्स ओके okay, नहीं भाई मतलब वो ऐसा दिख रहा था ना डिफरेंस ऑफ पैकेज माय कैरियर स्टार्ट विथ मतलब आई आई क्लियर माय सीएफ एग्जामिनेशन इन 2005 एंड 2006 माय सिक्स कैरियर स्टार्टेड इट वाज विथ पीडब्ल्यूसी प्राइस सी प्राइज ऑर्डर ऑफ स्कूपर आई वाज ए क्वालिफाइड ट्रेनी एंड असिस्टेंट मैनेजर ओके एंड मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल में मेरे को समझ में आ गया उधर मैं स्ट्रैटरी ऑडिट में था एक्चुअली तो मेरे को समझ में आ गया स्टैटरी ऑडिट से ज़्यादा तोड़ काम आई में था कुछ तो लिंक है कभी आएगा वो पॉइंट एंड देन आई शिफ्टेड टू एच बैंक आई वर्क एच डी सी बैंक में टू एंड हाफ ईयर्स आई ज्वाइन एज ए सीनियर मैनेजर इन एच डी सी बैंक एंड आई वॉज ए वीपी इन एच डी सी बैंक लास्ट पोजिशन असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट तो टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड टेन में आई वॉज एवीपी तो एवीपी में ऐसा हुआ हम लोग को ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग सेशन में डाला गया मतलब एवीपी बनाया तो ईवीपी जो थे वो ट्रेनिंग सेशन देते थे बिजनेस वालों को आई टी एंड बिजनेस दो डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे बैंक में तो so, मैं ट्रेनिंग के लिए एवरी सैटरडे आई यूज टू गो फॉर गिविंग ए ट्रेनिंग तो जब ट्रेनिंग दे रहा था तब लोगों ने बोला रहे भाई बहुत मज़ा आ रहा है एंड वो बहुत मजा आ रहा है तो मेरे को भी मज़ा आ रहा है एंड देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम आई टी आई लिफ्ट माई पोजिशन एंड आई केम इन टू टीचिंग सो इट्स टू थाउजेंड टेन एंड और टू थाउजेंड इलेवन बोल सकते हो तो आप से मैं ऑल टूगेदर टीचिंग में हूँ एंड टिल डेट आई एम इन टू टीचिंग ओनली तो दो तीन चीजें हैं तो आप देख सकते हो मैं पहले स्टार्टिंग ऑडिट में काम कर चुका हूँ फिर आई टी में काम कर चुका हूँ और उसके बाद टीचिंग में है तो कोई बोलता है एक बार कैरियर वही पकड़ो वो लाइफ वही हो होगी कोई लेना देना नहीं भाई ओके okay, आप बोलोगे सर नहीं 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 सक्सेस नहीं हुआ तो चेंज करते हैं कौन बोला मैं तो तीनों जगह सक्सेसफुल ऑलमोस्ट था ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं पीडब्ल्यूसी में मैंने एक, एक एक, सवा साल काम किया तो आई वाज असिस्टेंट मैनेजर दैट्स इट तो उसमें ज्यादा काम नहीं किया तो प्रमोशन का पॉइंट देख ही नहीं सकते लेकिन बैंक में आई वॉज ए वी भी एंड टीचिंग में भी अपन तोड़ सक्सेसफुल निकल चुके हैं क्या कोई दिक्कत ही नहीं है एंड सक्सेस का डेफिनेशन आई डोंट टेक फ्रॉम यू और एनी बडी एल्स सक्सेस का डेफिनेशन अमित के हिसाब से है तो व्हाट इज अ सक्सेसफुल अरे भाई यार मैं खुश हूं मैं हैप्पी हूं मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूं मेरे को जो चाहिए वो कर रहा हूं मेरे को जिधर जैसी चाहिए जिंदगी वैसी जी रहा हूं बस हो गया इसका मतलब क्या हुआ अपने अपना डेफिनेशन ये है भाई ओके okay, बस तोड़ तोड़ तोड़, तोड़ में काम करते हैं अब इसमें कोई कोई के लिए ये भी आएगा अरे यार ये बंदा बोलता कैसा है यार यार, यार क्या लैंग्वेज है यार इज इज दिस ए ए ए सी अरे यस आई एम सी ए हमें चार्टेड अकाउंटेंट बट बिकॉज बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई और मेरे दोस्त लोग सब मुंबई के वो बहुत भारी इलाके से हैं, तो समझ रहा भाई वाले इलाके से तो मेरे दोस्त वैसे ही रहे तो मेरी लैंग्वेज वैसी रही और मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ इट जोक्स अपार्ट मेरी लैंग्वेज खाली क्लास में ऐसी नहीं है तो मेरे को कभी भी मिलो मेरे घर पे मेरी लैंग्वेज मेरे बच्चों की लैंग्वेज इसकी वजह से ऐसी हो गई है ओके आई हैवेड टू प्रोडक्ट्स इन माई नेम तो अभी एक तो बड़ी हो गई है रितिका शी इज नाउ थर्टीन फोर्टीन थर्टी ईयर ओल्ड तो वो थोड़ी सी मैच्योर हो गई है तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती मेरे साथ मतलब इंटरेक्ट नहीं करती मतलब समझ रहा है वो बोलती है मतलब ये बोला तो जम प्या इंग्लिश का वर्ड और वो मेरी इंग्लिश सुधारती रहती थोड़ा English school English school think, है थोड़ा सा इंग्लिश स्कूल में अपन भी इंग्लिश स्कूल में गए लेकिन आई डोट थिंक ठीक है ओके पर अभी तक अपना छोटा पट्टर ओके okay, वो पाँच साल का है तो अपने पास उसका, उसका वो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है यानी उसको जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं वो बड़ी वाली को भी किया था लेकिन क्या वो और बड़ी हो गई तो तो मैं आपको ये बता दूं मेरा कहीं पर भी इंटेंशन किसी की बेजती करना नहीं है ओके okay, कभी किसी को लगेगा मैं कभी कभी मेरे शब्द आते हैं मेरे को मालूम है ये इट्स नॉट गुड ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट व्हाट आई कैन डू मैन अगर अगर कॉन्फिग्रेशन ही खराब है <laughs> तो मैं क्या करूं मतलब मैं मेरा कभी निकलता है अरे तुर समझ रहे हैं? मतलब मैं इसलिए बहुत रेयरली आप नोट करोगे मतलब जितने जन भी मतलब जो जानते होंगे कभी मैं बहुत रेयरली पेरेंट्स से मिलता हूं <laughs> प्रशांत सर और विनोद सर हमेशा मिलते हैं मैं बहुत रेयरली मिलता हूं उसका रीजन एक बेसिक रीजन है क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है वहां <laughs> का नहीं वो भी ऐसे बोलते <laughs> तो आ, मतलब आई एम नॉट बायस बेसिकली मतलब मैं जैसे अपनी बेटी बेटे के साथ बात करूंगा वैसे ही मैं आपके साथ बात करूंगा क्योंकि उसको जैसे बनाना है मेरे को आपको वैसे बनाना है तो इट इट्स ऑल टुगेदर और मतलब इसमें अभी आप कुछ कर नहीं सकता मैं मालिक मतलब अगर आप बोलोगे सर नहीं नहीं लैंग्वेज थोड़ा सोफेस्टिकेट करो ये करो इट्स बिग चैलेंज बिकॉज ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की उम्र निकल चुकी है वो चीज़ की जब मेरे को चेंज करना था इट्स ना ठीक है ना यार और सेम लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली द सेम लैंग्वेज आई हैव यूज्ड इन बैंक ऑल्सो व्हेन आई वाज एवीपी अरे ऐसा थोड़ा चेंज होगा ऐसा तुम्हारे सामने इसलिए मैं ऐसे बात करने लगा ऐसा थोड़ा ना था मैं मतलब मेरे स्कूल से मैं ऐसे बात कर रहा हूं टपोरी थे मैं टपोरी नहीं था मैं अच्छे घर से आया था मैं अच्छे घर से आया स्कूल में, में मेरे को तीन चार ऐसे मिले जो बोले क्या भाई <laughs> तो आई डू थिंक ये पॉइंट क्लियर रखिए तो जस्ट आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई यार अगर किसी को बुरा लग रहा है लैंग्वेज की वजह से या कुछ है तो आई एम रियली सॉरी बट आई कांट चेंज इट नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं मतलब हाँ मतलब आई चेंज इट बस ये है तो अगर कोई आगे कल विनोद सर को बोलेगा हो सर योर फ्रेंड यूर से ओके okay, और एक तोड़ वर्ड मेरा बहुत ये है कॉमन है तो तोड़ टी ओ डी डी ऐसा लिखता हो तोड़ मतलब क्या है सर बहुत तोड़ मतलब मैं जब ये तोड़ बोलता हूँ ना इसका मतलब बहुत भारी समझ लो तो जब बहुत भारी लगता है भाई यार तोड़ बहुत भारी काम करेंगे बहुत तोड़ करेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट सी कर रहा था तब से ये तोड़ वर्ड बैठा हुआ है किसी ने पूछा था कैसी पढ़ाई चल रही है मैं बोला तोड़ चल रही है बस वो याद रह गया और उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग वो तोड़ बन गया माँ कसम तोड़ ऐसे कुछ वर्ड्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं मालिक तो सर तो भाई और बहनों मेरे दोस्तों और दोस्ती हो मेरे पंटर और पंटर हो मेरे झंपो और झंपी हो ओके okay, मेरी डॉटर को मैं झम्पी बोलता हूं झंपी ओं की आता है, है स्ट्रैटेजिक okay, मैनेजमेंट में दो चीज है एक है स्ट्रैटेजिक और एक है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक को छोड़ देते हैं पहले एक कॉमन वर्ड पे आते हैं स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी अपना सिलेबस का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक का इंटरप्रिटेशन वर्ड है स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट और एक शब्द है तो ये दो सिलेबस दो शब्दों से बना है एक है स्ट्रैटेजी और एक है मैनेजमेंट एनी बडी कैन हेल्प मी आउट विथ स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी मतलब क्या स्ट्रैटेजी मतलब क्या है माइक इधर है यही है माइक ये है क्या माइक क्या दूसरा माइक है इधर है ओ, तोड़ मैडम दे दो उधर दे दो उधर कौन स्ट्रेटजी करके कौन बताएगा ऑनलाइन वाले आप भी बताइए कोई स्ट्रैटेजी uh, मतलब प्लानिंग बेसिकली मतलब प्लानिंग सुनिए सुनिए सारी आत्मा आत्मा मतलब तुम लोग हाँ तुम्हारे अंदर का साउल सोल रे मेरे को मालूम है इंग्लिश लेकिन मेरे लैंग्वेज में सोल नहीं बोलते है. मेरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं साउल तो साउल वाला तो तेरी आत्मा को बात कर रहा हूं मैं ओके बढ़िया मैडम बैठ बैठी बढ़िया मैडम ने बोला स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग क्या सब लोग एक्चुअली एग्री करते हैं स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग yeah. क्या ऐसा है कि स्ट्रैटेजी अलग है प्लानिंग अलग है स्ट्रैटेजी अलग है प्लानिंग अलग है या दोनों सेम है ऑनलाइन में भी ऐसा आंसर आया लॉन्ग टर्म प्लानिंग समथिंग तिगड़म एक वर्ड आया तिगड़म ओ माय गॉड हो हाउ हाउ स्लैंग यक आई डोंट नो तिगड़म स्ट्रैटी प्लानिंग प्लान नहीं है प्लान और स्ट्रैटेजी अलग अलग है देखो अपन थोड़ा सा थियरी में जाएंगे थोड़ा सा थियरी होने के बाद अपने को समझेगा प्रैक्टिकली क्या है मैं आपको यह बता रहा हूं आपको हर रोज हर रोज एक स्ट्रेटी अपन जब डिस्कस करेंगे कोई एलिमेंट डिस्कस करेंगे आपको इसका रियल लाइफ इंपैक्ट बताता रियल लाइफ में आपको एक कंपनी बताता जिसमें यह हुआ है ऐसा हुआ है ऐसा डिसीजन लिया हुआ है यू विल डेफिनेटली थोड़ एंजॉय इट बट टू द एक्सटेंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स यर वी आर देयर फॉर डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो अपने को लाइफ लॉन्ग काम आएगा स्ट्रेटी केस में लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू एंड मी आर हियर फॉर वन पर्पज दैट इज कॉल्ड इंटर रिजल्ट तो अपने को दो चीज समझनी है अपने को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तो है बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया हाँ भाई रियल लाइफ में ऐसा होता है लेकिन कभी कभी थियरी में कुछ अलग लिखा होता है जो रियल लाइफ में होता है वैसा नहीं होता है तो रियल लाइफ में कुछ एक स्ट्रेटजी वर्ड आ रहा होगा या प्लानिंग वर्ड कुछ पॉइंट आ जाए और आपको थियोरी में लिखा है कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग अलग है इसका मतलब अलग है अपने को किसका सुनना है मॉड्यूल का अपने रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो सकता है देर में भी डिबेटिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत टर्मिनोलॉजी आएगी मालिक मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली समझ रहे हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने को किसके हिसाब से याद रखना है मॉड्यूल बस मैं मॉड्यूल ही बोलता हूँ तो मॉडल के हिसाब से स्ट्रैटी और प्लानिंग अलग अलग है प्लानिंग अलग है स्ट्रैटी अलग है और कोई स्टडी क्या हो सकती है स्ट्रैटी क्या हो सकती है जस्ट पंडर क्या हो सकती है मालिक स्ट्रैटी क्या हो सकती है

ग्रुप टू में इसलिए ग्रुप टू आ जा रहा है इंटर पास होना है स्ट्रैटी yes, क्या है इंटर पास होने के लिए पढ़ाई स्ट्रेटेजी है <laughs> <laughs> पढ़ाई स्ट्रेटी <strategy> है क्या <laughs> <laughs> नहीं मैं चल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल्लीट ऑल दिलेबस अच्छा कंप्लीटिंग ऑल दिलेबस इज स्ट्रैटी और इज ए प्रोसेस आपको सिलेबस कंप्लीट करना एक प्रोसेस होता है आपका ये प्रोसेस है स्ट्रेटेजी सिलेबस कम्प्लीट करना नहीं है ओके हाँ, ऐसा okay, कोई बोल सकता है मैं जस्ट मेकिंग इट क्लियर कोई बोलेगा मेरे को हंड्रेड परसेंट पढ़ना है ताकि मेरे को एक भी मार्क्स कहीं पर लूज नहीं करना है दिस कैन बी स्ट्रैटेजी कोई बोलेगा मैं साली इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊंगा और लीज इंपॉर्टेंट को छोड़ दूंगा दिस कैन बी ए बट वो पॉइंट नहीं पढ़ाई तो सबको करनी है ना मालिक yes. तो पढ़ाई करना स्ट्रेटी है या प्रोसेस है प्रोसेस है एक प्रोसेस है आपका और कुछ इसी रिलेटेड बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है चलो हम खाली एस सब्जेक्ट को लेंगे एस को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी यस uh. yes, मैं जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया जैसे वीक में वन रिवाई, रिवाई करेंगे को कोई भी जो थोड़ा हमको मुश्किल जा रहा है ओके एग्जांपल थोड़ा सा एग्जाम्पल जो आपको अगर याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपने बैच ओवर होने के बाद कैन दिस बी स्ट्रेटी एवरीबडी ओके अब ये स्ट्रेटी क्या है कई के लिए स्ट्रेटी बना रहे हो आप स्कोर गुड मार्क्स ताकि क्या अचीव कर सको ओके मार्क्स अचीव हो सके अच्छा ठीक है कमिंग बैक टू और कुछ आता हूं आप आप एक, 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 एक आपने क्लास ज्वाइन किया इज ए स्ट्रैटी क्या आपके पास ये, एक ही ऑप्शन करने का नहीं क्या आप खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है तो दो में से कौन सा सिलेक्ट करना इज अट्रैटी ओके okay, आप समझ नहीं कोशिश करो इस चीज को स्ट्रैटेजी मैं किसके साथ जाऊं क्या अप्रोच रखू ये स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटी का मैं फॉर्मल डेफिनेशन पे अपन आज जा ही नहीं रहे मेरे को पहले कॉन्सेप्ट तोड़ बैठाना है उसके बाद कल डिस्कशन चालू करेंगे भाई फॉर्मल लेक्चर स्ट्रैटेजी तो, तो सर स्ट्रैटेजी मतलब क्या स्ट्रैटेजी मतलब जो डेफिनेशन बोला इसने लॉन्ग टर्म ब्लू ठीक है पर एकदम सिंपल से आंसर बलू ओके okay, हमको कहा जाना है वेर वी नीड टू गो इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ओके okay, अब मेरा क्वेश्चन आता है सुनिए एकदम आराम से शिद्दत से सुनिए ओके okay, आपने क्लास ज्वाइन किया या आप पढ़ाई खुद की पढ़ाई करोगे दोनों में से एक चीज करनी है ये एक स्ट्रैटी हो गई ठीक है क्लास ज्वाइन कर लिया आपने अब मेरे को बताओ क्लास ज्वाइन कर दिया कितने लेक्चर्स अपने होने वाले हैं सिक्सटी लेक्चर्स टाइमिंग क्या है फोर थर्टी टू फाइव थर्टी ओके क्या संडे ऑफ रहेगा कोई एक संडे में आगे पीछे हो सकता है ओके okay, तो ये क्या था फिर ये स्ट्रैटी नहीं है ये है प्लान इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड प्लान तो पहले क्या डिसाइड करते हैं स्ट्रेटजी या प्लान प्लान पहले आपने क्लास डिसाइड कर लिया पहले क्या डिसाइड किया स्ट्रेटजी अब मेरे को बताओ आप डिसाइड करते हो नहीं मैं खुद पढ़ाई करूंगा तो मेरे को बताओ आपके आपका प्लान क्या होगा फिर क्या आप ऐसे दोगे इतने नंबर ऑफर्स मैं एस को ऐसे ऐसे पढ़ूंगा देन इट बिकम्स ए प्लान तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे फिर क्या बनता प्लान कुछ सोचा होगा ओके okay, और वो स्ट्रैटेजी के बेस प्रोडक्ट को मार्केट करना मार्केट सेल्स बढ़ाना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाना ये सारी चीजें लिंक होती है स्ट्रैटेजी से एक छोटा सा आज के लिए एक सीमित एग्जांपल रखते अपन ओके okay, पहला एक दो तीन एग्जांपल देता हूं ये कॉमनली मैं जोकिंगली बोलता हूं इसको आप जोक से लीजिए

मां भागती है और वो जीतती है फिर बेटा हारता है और वो बोलती है जिस दिन बेटा मुझे हराएगा उस दिन मैं जीतूंगी देखा है कि नहीं एड अच्छा तुम लोग देखते हो कि नहीं टीवी हाँ भाई हाँ भाई चांदना मतलब मेरे को ये समझ में आया टीवी देखते कि नहीं क्या ऐड ऐसी देखी नहीं है कल दिखा दूंगा मैं आपको एड ये ऐड दिखा दूंगा देख लेना भाई ओके ये ऐड किसकी है बोरबीटा कॉम्प्लेन की एड देखना में एक मां बैठी हुई है ओके एक आदमी पूछता है, आपके बेटे की हाइट क्या है बढ़ 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 गया, बढ़ गया, गया, इतना ओके ओके कॉम्प्लेन पीने से मतलब लो, सब में माँ मिलेगी। क्या बाप, बाप चाहता है मेरा बेटा टिंगना रहे मेरा बेटा रेस में नहीं हराए क्या ऐसा ऐसा चाहते पापा क्या बापू ऐसे चाहते हैं नहीं पर कंपनी को मालूम है कंपनी को मालूम है इमोशन किसके पास है हा मां को बोला भाई ये पिया अगर तेरा बेटा ब्रेन का विकास मम्मी फटाफट प्रोडक्ट खरीद लेगी पप्पा को बोला ओके ये पिलाओ ब्रेन का विकास अरे बिना उसके ब्रेन का विकास दो चमाट दिया ब्रेन का विकास अब समझ रहे हो मालिक मेरे ख्याल से समझ रहे स्ट्रैटेजी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पे सर्वाइवल है स्ट्रैटेजी पे बिजनेस है स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट्स है आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो स्ट्रैटेजी आपकी तोड़ होनी चाहिए स्ट्रैटेजी अगर खराब हुई तो आपका बहुत बड़ा बैंड बच सकता है बैंड मतलब इट कैन गो एनी ओके अगर आपने सही तरह से काम नहीं किया सही तरह से स्ट्रेटेजी नहीं फुलफिल की यूर एंड ऑन डेड एंड मालिक इट मैटर्स विथ ऑल स्ट्रैटेजी और शायद इसको और एक लिंक कर सकते हैं बाहुबली पिक्चर देखी होगी सबने भाले यानी मैं शिव गामिनी देवी की सौगंध खाता हूं समस्त की याद है ओके अब मेरे को बताओ आपने देखा वो जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने बोला था त्रिशूल व्यू। वो त्रिशूल व्यू व्यू वो क्या थी ओके okay, अब थोड़ा सा ध्यान देना अब यही एग्जाम्पल कल वापस यूज करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी पॉइंट पे लेकिन एग्जाम्पल ध्यान रखना स्ट्रैटेजी है ओके मेरे को बताओ क्या सबको मालूम है पियर्स साबुन पियर्स लक्स लाइव बॉय संतूर संतूर वाला कौन था अच्छा मैडम अच्छा संतूर 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 भी है लाइव बॉय लक्स पियर्स संतूर ओके थोड़ा सा पॉइंट अरे नहीं बहुत सारे साबुन है ऐसे लिस्ट बनाएंगे पागल हो जाएंगे मैं तीन चार नाम दे रहा हूं डव सुना डव सात दिन इधर लगाया मस्त हुआ सात दिन खड़खड़ खड़ खड़ हुआ याद आया क्या फिर सात दिन के बाद डव लगा याद आया ऐसा दिखा ऐड आपको मालूम है ये चारों साबुन पांचों साबुन जो अपन ने डिस्कस किए ब्रांड किसके हैं ये एक ही कंपनी के हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ही कंपनी अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबकी अलग है जब डव प्रमोट किया जाता है वॉट दे से के लिए क्या बोलते हैं ओके okay, एक साइड लगाया एक साइड खर 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 है ना ओके okay, तो उसमें कौन दिखाया हुआ है वो एड में कौन दिखाया जाता है एक यंग लेडी संतूर की एड में ओके okay, जैसा बताया था मिड एज गर्ल गर्ल लेडी जो भी है आप जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो ओके okay, और वो एकदम यंग दिखने लगती है ओके okay, आप लाइफ बॉय की एड देखो एक बच्चा बीमार होता है एक किट मालूम बीमार पड़ता है अरे बीमार हो गया तो डॉक्टर आता है बोले नहाया नहीं क्या तो उसके पापा बोलते हैं नहाया वो डेटॉल डाल के मालूम फिर बोले वो डेटॉल क्या यूज कर रहा है लाइफ बॉय यूज कर मतलब मेरे को कभी कभी तो समझ में नहीं आता साला साबुन कौन सा यूज करने का ओके जस्ट मेक इट श्योर अरे यार मतलब मेरे को बताओ यानी चेहरा अच्छा करना है डव ओके बॉडी से कीटाणु निकालना है लाइफ बॉय ओके okay, समझ रहा है और पूरा नया जवान दिखना चाहिए संतूर लक्ष्य भी उसके लिए ही है और द, मतलब पियर्स किसके लिए मेरे को आज तक नहीं समझा बस बाथरूम देखने के लिए <laughs> अब मेरे को एक चीज बताओ हाउ कैन वन कंपनी वन कंपनी मेकिंग प्रोडक्ट फॉर फोर डिफरेंट थिंग्स बट प्रोमोटिंग इन डिफरेंट वे इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी और इसमें भी ये नया प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको मालूम है ओके okay, टूथपेस्ट में नमक नहीं है एक टूथपेस्ट होगा नमक वाला एक टूथपेस्ट होगा कोयले वाला एक टूथपेस्ट होगा भगवान मतलब भगवान जाने क्या होगा सो so, मेरे को बताओ आपको नहीं लगता है, हर कंपनी स्ट्रेटजी यूज करती है जो मैंने आपके साथ अभी लास्ट दस पंद्रह मिनट में यूज किया ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कौन सी स्ट्रेटजी मार्केटिंग अच्छा मैकडॉनल्ड्स तो मालूम ही होगा सबको McDonald's में खाया होगा नहीं खाया होगा ओके okay, so, मैं मैं खाया हूँ मैं मैं पोटैटो चिप्स तो से ही मालूम पड़े आपको तो बचपन में तो पापा ने कभी ऐसे तल के कुछ पोटैटो को चिप्स खाने में मांग समी दे रहे बाबू ओके okay, so, अभी फ्राइज अपन धपा धप खा रहे लेते भाई फ्रेंच फ्राइज दे अभी उसके अंदर पेरी पेरी डाल के वो पेरी पेरी का इतना सा सच है लेकिन उसके लिए सत्तर अस्सी रुपये एक्स्ट्रा लेगा वो ओके अब मेरे को बताओ मैकडोनल्ड की क्या स्ट्रैटेजी है ओके क्या करता है वो स्ट्रैटेजी क्या है मैकडोनल्ड की स्ट्रैटेजी क्या है जिसमें मैकडोनल्ड बिजनेस करता है ओके मेरे को बताओ आप मैकडोनल्ड में क्यों जाते हो आप कोई दूसरी मूवी में क्यों दूसरी मूवी क्या बोल रहा हूँ दूसरे होटल में या अदरवाइज मेरे को बताओ जब भी अपन ट्रैवल करते हैं पहला प्रेफरेंस मैकडोनल्ड दिखा तो मैकडोनल्ड में जाते हैं पहला पॉइंट आप याद रखिए सबसे सिंपल सा लॉजिक है इंडियन मार्केट एक कॉस्ट लीडर मार्केट है जहां पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट होना जरूरी है सेकंड मेरे को बताओ सबसे फास्ट डिलीवरी किस में मिलती है मैकडोनल्ड्स अगर अपन गए मैकडोनल्ड में अपन ट्रेवल कर रहे हैं अपने को फटाफट जाना है अपने को वेट नहीं करना है मेरे को बताओ इज मैकडोनल्ड बेस्ट ऑप्शन डेफिनेटली बर्गर किंग वगैरह वगैरह भी रहेगा लेकिन मेरे को बताओ बर्गर किंग के जितने लोकेशन है और मैकडोनल्ड के लोकेशन है किसके ज्यादा है तो मैकडोनल्ड और एक चीज पे स्ट्रेटजी बनाता है कि लोकेशन बनाओ जितने ज्यादा लोकेशन बनेंगे उतना सही रहेगा आत्मा क्लियर क्या और मेरे को बताओ कभी मैकडॉन में ऐसे गए हो तो ऐसा देखा है क्या मंडे टू फ्राइडे आए और आफ्टरनून में आए तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा जिसको कौन सा आवर्स बोलते हैं हैप्पी आवर्स सुना है क्या तो हैप्पी आवर्स क्या है एक स्ट्रैटेजी जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अगर कोई जो चीज आप डिस्कस करोगे सब में स्टार्ट होगी ओके तो टू द एक्सटेंड मेरे ख्याल से आप लास्ट तीन चार एग्जाम्पल में समझ चुके हो स्ट्रैटेजिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे ये क्या है स्ट्रैटेजी एवरीबॉडी क्लियर ओकेज okay, और मैंने अभी बेसिक स्ट्रैटेजी बताई है ओके okay, कल के एजेंडा में अपन दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की होती है स्ट्रैटेजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और कौन से कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करती है एंड उसके साथ में समझेंगे अपना सिलेबस कितना है क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा पचास मार्क कैसे आएगा जिसमें एमसीक्यू कितने का रहेगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा ये कल का डिस्कशन रहेगा एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स मेक श्योर एक चीज मैं खाली आपको बता इनिशियली मतलब मेरे को लेक्चर में अपने अपने इंडिविजुअल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको स्ट्रेटी लिंक करते जाऊंगा अपन उसको सुनते जाएंगे और उसके बाद फिर मैं चैप्टर के अंदर फिट करूंगा तो आपको एक बुक हमेशा कैरी करनी होगी कौन सी वाली वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जिस दिन मैं बोलू उस दिन लेके आने का वॉल्यूम थ्री okay, जिस दिन टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके अगले ही वीक में अपन कभी तो करेंगे एवरीडे क्लियर सी यू मालिक अस्ता टेक केयर बाय चैप्टर वन की सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है सर का भी एक्सेस कर लिया उधर भी अपडेटेड है मालिक तोड़ मालिक तोड़ मालिक। तोड़ तोड़, 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 मालिक, यस अमन तोड़ पढ़ाई करेंगे मालिक टेलीग्राम लिंक यूट्यूब चैनल पे रहेगा नहीं तो मैं अभी डलवा देता हूँ एक चैनल में लिंक में मैसेज में डलवा देता हूँ मालिक बुक्स ऑर्डर कर दो एक हाथ दो दिन में दो तीन दिन में मिल जानी चाहिए मालिक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बुक्स के लिए तो तोड़ मालिक